पिछले 15 साल में जितने भी सिलेक्शन हुए ये फॉर्मूला मैंने लगाया। एक लड़का मुझे मिला 3 दिन पहले दिल्ली में, कहा मैं 7 साल से तैयारी कर रहा हूँ और मुझे हर आदमी ने बेवकूफ बनाया। ज्योग्राफी पता, ना हिस्ट्री पता, कुछ पढ़ाई पढ़ा बहुत उसने, मेहनत बहुत की, लेकिन डायरेक्शन, तुम इतनी मूवी देखे, सारी मूवी डाउनलोडेड है यहाँ पे, तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे लिख नहीं सकते, और महीने भर बाद तुम्हारा दिमाग कहीं और काम ही नहीं करेगा। अब जब तुम मुझसे पढ़ने के लिए कह रहे हो, तुमसे कह रहा है आज नहीं, आज तो होली का दूसरा दिन है, होली के दूसरे दिन कौन पढ़ता है। एक लड़का मुझे मिला 3 दिन पहले दिल्ली में, कहा मैं 7 साल से तैयारी कर रहा हूं और मुझे हर आदमी ने बेवकूफ बनाया। मैंने कहा अच्छा, मतलब तुम बुद्धिमान हो, तुम बेवकूफ हो, 7 साल से तैयारी कर रहा है, ना ज्योग्राफी पता, ना हिस्ट्री पता, कुछ पढ़ाई पढ़ा बहुत उसने, मेहनत बहुत की, लेकिन डायरेक्शन, जैसे इस पेट में हजम करते हो ऐसे ये भी तो पेट है, यहां भी हजम करना पड़ता है, वो तुम चाहते नहीं हजम करना। तुम चाहते हो जैसे मिर्जापुर की कहानी लोड हो गई है, ऐसे इकोनॉमी जो क्लास में पढ़ाई जाती है वो भी लोड हो जाए, और लोड हो जाएगी। अब मन का अपना एक नेचर है, तुम इतनी मूवी देखे, सारी मूवी डाउनलोडेड है यहां पे, 5000 GB का मेटीरियल रखे हो और एक NCERT तुमसे तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि तुम्हारा मन उसको पसंद ही नहीं करता। मन जिसको पसंद करता है ना, वो खुद ब खुद सेव कर लेता है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है उसका, और जिसको पसंद नहीं करता उसको डिलीट मार देता है। अब तुम्हें मन को पसंद करवाना है तो इसको टॉर्चर करना पड़ेगा। तो मान लो क्लास में नेशनल इनकम पढ़ाया गया, घर जाओ और 10 बार लिखो, जो 3 घंटे घर में क्लास में पढ़ाया जाए उसको घर जाओ 10 बार 10। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे लिख नहीं सकते, कॉपी किनारे रख दो और 10 बार लिखो, तो 3 दिन में तो तुम पागल हो जाओगे, तुम्हारा मन कहेगा कि बेवकूफ हो, कि क्या कर रहे हो, लिखने ना देगा भाई साहब तुमको। लेकिन पिछले 15 साल में जितने भी सिलेक्शन हुए ये फॉर्मूला मैंने लगाया कि जाओ लिखो, तो 100 लड़कों को अगर मैंने कहा तो 5 ने फॉलो किया और 5ों का सिलेक्शन हुआ। क्योंकि जब तुम 10 बार लिखोगे, दिन भर तुम्हें कोई टाइम ही नहीं मिलेगा किसी से बात करने का, और अगर गुटखा खाने की आदत पड़ सकती है 6 दिन खाने के तक बाद, तो लिखने की आदत नहीं पड़ सकती। तुम्हें अपने मन को, अपने मन की सेव पावर को इंक्रीज करना है, वो लिखने से होगी। जितना लिखोगे, जितना बोलो मत किसी से, कमरे में बैठ जाओ, जो पढ़ाया गया उसको लिखो 10-10 बार 15-15 बार, आग लगा दो लिखते लिखते, पूरा कमरा भर गया, और महीने भर बाद तुम्हारा दिमाग कहीं और काम ही नहीं करेगा। इसको ट्रेन करना पड़ता है, उसी को साधना कहते हैं। ये जो मन को ट्रेन करने की कला है ना, इसी को साधना कहते हैं, साधना। कोई धूप में खड़ा होकर साधना कर रहा है, इसीलिए कर रहा है कि जितना दर्द मिलेगा उतनी अटेंटिव पावर बढ़ेगी। तुम बहुत सारे योगियों को देखोगे धूप में बैठे हुए हैं, धूप में बैठे हैं, मई की धूप में, जून के धूप में बैठे, पागल है। अब मन से कह रहे हैं अब भागो, मन को जहां आराम मिलता है वहां ये भागता, एसी में लेटे हुए हो, 4 किलो चावल, 2.5 किलो सब्जी दबा गए। अब इतना सुकून मन को मिल गया, अब वो भाग रहा है। अब जब तुम उससे पढ़ने के लिए कह रहे हो तो तुमसे कह रहा है आज नहीं, आज तो होली का दूसरा दिन है, होली के दूसरे दिन कौन पढ़ता है। होली के दूसरे दिन गर्लफ्रेंड से मिलने जा सकते हो, वहां नहीं मना करेगा, वहां तो मरने से 1 घंटा पहले कह देता कि बाद में मर लेंगे, अभी क्या जरूरत है। तुम इसकी तुम जालसाजी देखो, कुछ चीजों के लिए तुमको कभी नहीं मना करेगा, करेगा ही नहीं, तुम बड़े आश्चर्य में पड़ जाओगे कि अरे। और जितनी चीजों से तुम्हारी जिंदगी बननी है वहां पे तो इतना रायता फैला देगा ये, इस कमरे का कलर ठीक नहीं है, बादाम बादाम पागल टाइप का लग रहा है। इसी मन को वॉच करने की कला को ध्यान कहते हैं। अब जो तुमने कहा कि 1 रोटी खाएंगे और पढ़ेंगे बैठ के, अब तुम्हारा पेट आधा भूख में है, कहीं भागेगा ही नहीं। तुमने से कहा कि ये टॉपिक खत्म कर ले, फिर 2 रोटी खिलाता हूं, तो तुम्हारी बात सुनेगा कि अच्छा लो खत्म करवा देता हूं, 2 खा लूं।
फिर तुम एक खा लिए, एक और करवा दे। शाम को 4 रोटी, अंडा करी, कलेजी और एक बियर। पता लगा उठ, पूरा टॉपिक तुम्हारा उसने खत्म करा दिया 20 मिनट में। अब मंगाओ। तुमने कहा आज नहीं, आज गर्मी बहुत है, कल 4 बॉटल और दिन भर सिर्फ खाना खाना है। इसका विरोध मत करो तुम कि ये नहीं करेंगे, ना ना, तुम गलती करते हो, उसको ताकत देंगे। इसको किसी चीज के लिए तुम भी मत मना करो। जैसे जितने अच्छे काम है ये तुमसे कहता है कल करो, तुम वही फॉर्मूला इसके ऊपर लगा दो कि पिक्चर देखने जाओ, जाओ कल 4 शो देखा जाएगा, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 4 शो। तो 10-15 दिन बाद तुमको पकड़ने लग जाएगा कि बेटा तुम बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ। इसी प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। और कोई ध्यान थोड़ी ऐसे कि बैठे हुए हैं हरामखोरी में 6 घंटा लेटे। इसकी जालसाजी को देखना, तो तुम संतों को देखो जो लोग साधना कर रहे हैं, वो मन को रोकना ही तो चाहते हैं कि तुम भागो मत, क्योंकि जहां इसको आराम मिलेगा ये भागेगा। कहां इसकी आंखें बंद होने लगेगी, स्वामी विवेकानंद कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल चले गए, पैदल। शांत हो गया परमानेंट कि भाई साहब बदतमीजी करनी नहीं। बोले नहीं तू कर बदतमीजी, पैदल चले गए। और बोले अगर अभी भी शांत नहीं हुआ तो यहां से लंदन पैदल जाऊंगा। अरे इसने कहा भैया स्वयं विवेकानंद लगते हैं कि ये तो मध्य प्रदेश में ही शांत हो गया था कि अब नहीं करेंगे। तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करता है तो तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे, नहीं करोगे? और ये करता है तुम्हारे साथ 24 घंटे और तुम इसकी हर बात सुनते हो, और एक एक साल तुम्हारा खाए जा रहा ऐसे ही, और हर बहाना बनाया जा रहा है कि यहां ये ठीक नहीं, वहां वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, ये नहीं है, फिर दिल्ली जाएंगे, फिर वहां जाएंगे, फिर ऐसा करेंगे, यहां एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है इतने। और दिल्ली जाके फिर कौन सा बहाना बनाओगे? अभी 2 लोग आ रहे हैं मुझसे मिलने, दिल्ली रह के आए 2 साल। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारा मन तो तुम्हारे साथ ही जाएगा ना। ऐसा थोड़ी कि दिल्ली की कोचिंग अलग चिप रखी हुई है, तुम्हारा खोल के निकाल के बदल देंगे, लगा ले जाओ फर्स्ट रैंक।